नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली की भांति आज एक और वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 35 फीट बाई 35 फीट मतलब 1225 स्क्वायर फीट में बनता हुआ एक घर का अब तक का काम दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी इस साइज़ के आसपास का जो साइज़ होता है उस साइज़ का घर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ज़्यादा आइडिया आप इस घर से अपने घर के लिए लगा सकते हो। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस तरीका से इस घर को बनाया जा रहा है। मैं आपको इस घर के अंदर भी ले जाकर चलूँगा, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हम लोग बाहर से समझ सकते हैं उसे पहले देख लेते हैं। साइज़ मैंने आपको बताया कि 35 फीट बाई 35 फीट का ये बनता हुआ घर है। और इस घर को देखा जाए बाहर से तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने का कोशिश नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो भी इस घर का खिड़की है उसे भी बॉक्स नुमा डिज़ाइन पर ही बनाया जा रहा है, आप देख सकते हो। और बात किया जाए इस घर का प्लिंथ लेवल का, मतलब जो कुर्सी लेवल है उसका, तो ज़मीन से लगभग 3.5 फीट का हाइट इसका रखा गया है, जो कि एक अच्छा हाइट माना जाता है। आप देख सकते हैं कि इसके बगल से रोड भी है, जो रोड से ये लगभग 3.5 फीट के आसपास में ऊंचा है, तो आपको 3 फीट से 4 फीट इसका हाइट है वो रखना चाहिए। ये था दोस्तों घर का साइड व्यू। अब चलते हैं फ्रंट व्यू की तरफ। अब देखते हैं कि किस तरीका से इस घर को बनाया जा रहा है। तो इधर भी देखेंगे तो जो विंडो है वो बॉक्स नुमा डिज़ाइन का ही है। अभी नज़दीक ले जाकर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं। इसके ऊपर में छत ढलाई के बाद जो पैरापेट वाल का डिज़ाइन आएगा वो इस घर के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। एक अच्छा डिज़ाइन आपको बहुत ही कम पैसा में आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। ये है इस घर का मेन एंट्रेंस। यहाँ पे मेन गेट है, लगभग 4 फीट बा 7 फीट का इसका साइज़ है वो रखा गया है। जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको मिल जाता है एक हॉल। आप देख सकते हैं बड़ा साइज़ का हॉल है। और इस हॉल में एक विंडो भी आपको देखने को मिल रहा है साइड की तरफ, और दूसरा विंडो सामने की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। दोनों विंडो का जो साइज़ है वो देख सकते हैं लगभग 4 फीट बाई 3.5 फीट का है। इधर भी 4 फीट बाई 3.5 फीट का, हालांकि थोड़ा इसका बड़ा साइज़ हो सकता था। तो यहाँ पे था हॉल। इसके दाहिने साइड में आप देखेंगे तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला बेडरूम, जिसे स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें भी डबल विंडो है। जब भी आप घर बनाएं तो कोशिश करके जो कॉर्नर पे जो रूम है वहाँ पे डबल विंडो दे, अगर पॉसिबल हो तो, अगर साइड में जगह हो तो। ऐसे में होता है कि एक तरफ से हवा आएगा और दूसरा तरफ से वो निकल जाएगा, तो वेंटिलेशन में आपको प्रॉब्लम आने वाले दिन में नहीं होता है। अच्छा तरीक़े से यहाँ पर बनाया गया है। चलिए चलते हैं अब थोड़ा और आगे। तो आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हैं ये इस घर के लिए डाइनिंग एरिया। यहाँ पे भी एक विंडो आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसके दाहिने तरफ देखते हैं तो आपको मिल जाता है इस घर के लिए दूसरा बेडरूम। इसमें एक विंडो का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। बिल्कुल सिंपल तरीका से इस घर को बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही कम जगह में सब चीज़ का यहाँ पर व्यवस्था भी कर लिया गया है। आगे चलते हैं तो आपको उस कॉर्नर पर भी एक मिल जाता है बेडरूम, जो कि इस घर के लिए तीसरा बेडरूम है। मात्र 35 फीट बाई 35 फीट में 3 बेडरूम के साथ इसे बनाया जा रहा है। डबल विंडो है यहाँ पे भी, आप देख सकते हो 4 फीट बाई 3.5 फीट का साइज़ का इस तरीका से वेंटिलेशन के लिए भी जगह छोड़ा गया है। और यहाँ पर देखिए ये जो घर है इसके लिए मिल जाता है आपको स्टेयर, ये सीढ़ी है। आप देख सकते हैं पहला फ्लाई पार्ट है, उसके बाद फिर लैंडिंग है, फिर दूसरा फ्लाइट पार्ट यहाँ पे है वो ढलाई किया जाएगा। इस कॉर्नर का बात किया जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है किचन। चलिए चलते हैं किचन में, साइज़ जान लें इस डोर का। तो 2.5 फीट बाई 7 फीट का इसका डोर रखा गया है। एक बार आपको टॉप व्यू भी दिखाऊंगा ऊपर चढ़ के, जिससे आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। सारा चीज़ें है वो आप कन्फ्यूजन वो क्लियर हो जाएगा। ये है इस घर के लिए किचन, एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया जा रहा है। सिंक का साइज़ का बात किया जाए तो 1.5 फीट बाई 2 फीट का सिंक का साइज़ है वो रखा गया है। हाइट इसका लगभग 3 फीट के आसपास में रखा गया है किचन प्लेटफॉर्म का। यहाँ पे आपको मिल जाता है खिड़की, देख सकते हैं, और एग्जॉस्ट फैन के लिए वहाँ पे जगह है वो छोड़ा गया है। तो बहुत ही कम जगह में 3 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, उसके साथ साथ किचन, और आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है स्टेयर। हालाँकि आप टॉयलेट और बाथरूम को मिस कर रहे होंगे तो उसके लिए देख सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो घर के अंदर टॉयलेट और बाथरूम बनाना सुटेबल नहीं समझते, उसके लिए पीछे में जगह है तो उसे घर से बाहर है वो
बनाया जाएगा। चलिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ जिससे आपका जो भी अभी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। ये है इस घर के लिए मेन गेट। बाएं साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पे हॉल, इसके दाहिने साइड में मिल जाता है पहला स्टडी रूम या फिर आप गेस्ट रूम बोल लीजिए जो कि घर का पहला बेडरूम है। और थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है डाइनिंग एरिया, इसके दाहिने साइड में मिल जाता है एक बेडरूम जो कि इस घर का दूसरा बेडरूम है, फिर कॉर्नर पर भी तीसरा बेडरूम, पीछे जाने का रास्ता, यहाँ पर है आपका सीढ़ी रूम और ये है आपका किचन। तो इस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको टॉप व्यू से दिखाने का है कोशिश करता हूँ। यहाँ से हम लोगों ने इंटर हुआ था, फिर वहाँ पे आपको मिलता था पहला बेडरूम, दूसरा बेडरूम, ये है आपका इस घर के लिए तीसरा बेडरूम, फिर ये जो है वो सीढ़ी रूम है और यहाँ पे है इस घर के लिए हॉल, सॉरी ये है आपका डाइनिंग एरिया, उसके बगल में है हॉल और ये है आपका किचन। तो इस तरीका से इस घर को बनाया जा रहा है। अगर आप भी कम जगह में तीन बेडरूम के साथ इस तरीके का घर बनाना चाहते हैं तो इस बने हुए घर से बहुत सारे आइडिया आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।